good morning students so today we are going to start our syllabus for the session 2020 21 so this is your book which we will study in this session uh, and these are your contents so um, contents means lessons which we, we which we will study throughout the session okay so um, this is your sst book and uh, it is divided into three parts uh, history geography and civics so we will study this book in three parts which are history geography and civics so today we are going to start our first chapter of history so the name of our first chapter is when where

या क्रोनो क्रोनोलॉजिकल वे में उसको दिखाना या बतलाना ही क्या होता है हिस्ट्री हो हिस्ट्री कहलाता है ठीक कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी घटना हुई कब हुई कहाँ हुई कैसे हुई और जब उसके बारे में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर जब हम आगे चल करके हम उस चीज को पढ़ते हैं तो जब वो घटना बीत चुकी होती है तो वही चीज को जो उसके बारे में डिटेल्स होती हैं वही सारी चीजें हम उस पर नोट करते हैं वही कहलाता है हमारा वेन वेयर एंड हाउ और इसी से हमारी क्या होती है हिस्ट्री चलती है क्लियर नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द टेक्स्ट एंड हम ये भी देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या है कैसा है सो लेट्स बिगिन हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स सो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट्स की बात आती है कि हिस्ट्री में डेट्स का इम्पोर्टेंस हम जानते ही हैं कि बिना डेट्स के कुछ भी कोई भी इंसिडेंट हो या कोई भी घटना हो कैसे कब कहां हुई तो इस इसके लिए हमें डेट्स चाहिए कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई तो यदि हमारे पास स्पेसिफिक डेट होगा टाइम होगा तो उससे हम घटना जो हमारे पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए घटनाएं हुई उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं क्लियर

कौन से युद्ध कब लड़ा लड़े गए किस राजा ने के द्वारा लड़े गए तो ये सारी चीजें एक रिकॉर्ड में हो एक मतलब आ, सही तरीके में होगी जैसे मान लो जो युद्ध पहले हुआ फिर उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ तो उनके लिए हमें डेट्स की जरूरत पड़ती थी तो इसलिए जो हिस्टोरियंस थे वो डेट्स में इंटरेस्टेड में रहते थे क्यों क्योंकि यदि डेट मिल गई तो वो जब हिस्ट्री लिखेंगे तो उन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर तरीके में लिख सकते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक क्रम में उसको डिफाइन कर सकते हैं उस उस क्रम में उसको नोट कर सकते हैं तो इसलिए डेट में उनका इंटरेस्ट बना रहता था नेक्स्ट डेट्स ऑफ इवेंट्स एक्ट समाइक माइल स्टोन्स दे इंडिकेट एन इवेंट्स पोजिशन इन रिलेशन टू अदर इवेंट्स इन हिस्ट्री तो जो डेट्स हैं किसी भी इवेंट्स की डेट्स ऑफ इवेंट्स वो तो जैसा कि मतलब क्या होता है उनसे जो किसी भी इवेंट की जो डेट्स होती हैं वो एक प्रकार से क्या इंडिकेट करती हैं कि जो हिस्ट्री में बाकी इवेंट्स हुए ठीक तो उनके उनसे उनका क्या संबंध था संबंध इन देंस कि वो घटना दूसरी घटना से पहले हुई या बाद में हुई तो ये सारी चीजें हमें किससे पता लगती हैं हिस्ट्री से पता डेट से पता लगती हैं कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई तो ये जो पॉजिशनिंग है ये पॉजिशनिंग डिफाइन करते हैं किसका किसकी पॉजिशनिंग कि जो इंसिडेंट्स हुए जो इंसिडेंट्स हुए उनकी की उनके आने की जो मतलब कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ ये सारी चीजें डेट समय बताती हैं इनका रिलेशन इस तरह से होता है एक इवेंट का दूसरे इवेंट से डेट के बीच में क्या रिलेशन है वो उसको होने की संभावना को बताता है कि मतलब कब कोई चीज हुई पहले हुई या उस घटना के बाद हुई ये सारी चीजें हमें डेट्स के माध्यम से पता लगती हैं। नेक्स्ट दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अक्रेंस ऑफ इवेंट्स विद इन अ टाइम फ्रेम इन अ वे वी कैन से दैट द हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें ए, किस चीज में सहायक होती हैं? ये हमें जो इवेंट्स हैं उनका जो अक्रेंस अक्रेंस मतलब जो कब कोई चीज कब घटित हुई तो इसके बारे में एक टाइम फ्रेम में हमें समझाने की का प्रयास करती हैं कि मतलब कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई तो हमें एक टाइम फ्रेम लगा लेते हैं कि मान लो जैसे फोर्टीन चौदहवीं शताब्दी में फोर्टीन सेंचुरी में ये चीज हुई फिफ्टीन सेंचुरी में ये चीज हुई थर्टीन सेंचुरी में ये चीज हुई तो यदि हमें उन चीजों की डेट पता है तो हम बता सकते हैं कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक रेगुलर टाइम फ्रेम से मतलब एक टाइम टू टाइम की पहले जो चीज हुई थर्टीन सेंचुरी में फिर फोर्टीन सेंचुरी में क्या हुआ फिफ्टीन सेंचुरी में क्या हुआ तो हमें उसी रिकॉर्ड में वो चीजें प्राप्त होंगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स की जो हमारी हिस्ट्री है वो उसका डेट से काफी लेना देना है काफी प्रभाव पड़ता है डेट्स का उसमें काफी उसमें डेट्स का इंपॉर्टेंस है सो so, ये टॉपिक समझ में आया नेक्स्ट मूव करते हैं इट आइडेंटिफाइज हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट एंड हाउ हैड दे चेंज इन द प्रेजेंट वी रेफर द पास्ट एज बिफोर एंड प्रेजेंट इज नोन एज आफ्टर तो ये जो चीजें हैं कौन सी चीजें डेट जो है ये क्या करती हैं कि ये हमें ये बताती हैं कि कौन सी चीज जो हाउ थिंग्स पर इन द पास्ट की जो पास्ट में चीजें कैसी थी एंड हाउ हेड द चेंज इन द प्रेजेंट और वो आज के समय में कैसे चेंज हो गई हैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझ सकते हो एजुकेशन सिस्टम कि अब जैसे हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि इस समय तक इस सेंचुरी में एजुकेशन ऐसा था गुरुकुल चलते थे फिर इंग्लैंड जो इंग्लैंड से आए मतलब ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने दूसरा एजुकेशन लागू किया ठीक फिर वो चला फिर अब हम जब इंडिपेंडेंट इंडिया है तो इस समय हमारा एजुकेशन कैसा है तो ये हमें कैसे पता चलता है यदि सपोज डेट सी होते तो क्या हमें ये ऑर्डर पता चल पाता कि पहले गुरुकुल हुए फिर उसके बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एजुकेशन में रिफॉर्मेशन किए वो पता लगे हमें तो यही चीजें जो मैं समझाने की को कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि जो डेट्स होती हैं ये हमें कोई चीज़ पास्ट में कैसी थी और वो अब कैसी है इस चीज़ को इस चीज़ में हमें डिफरेंस डिफरेंसेस बताता है हमें बताता है कि वो चीज़ कैसी थी वी रेफर द पास्ट एज बिफोर एंड प्रेजेंट इज नोन एज आफ्टर जो पास्ट को हम बिफोर कहते हैं और प्रेजेंट को हम आफ्टर कहते हैं मतलब जैसे सपोज uh, कि कोई चीज हमें बतानी हो uh, जो बीच तो हम बोलेंगे बिफोर पहले और जो चीज हमें बतानी हो प्रेजेंट की उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे आफ्टर से इंडिकेट करेंगे क्लियर सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट लैंडमार्क्स बिकॉज ऑफ देयर

वो एक प्रकार का लैंडमार्क होती हैं अपने आप में वो जैसे मान लो हम उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे जुड़ी हमें सारी चीजें याद आ जाती जैसे फॉर एक एग्जांपल समझिए इसको जैसे कि 1526 में वो एक जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो उस उसमें ये जो डेट है ये जो सेंचुरी है 1526, ये जो टाइम है ये एक प्रकार का लैंडमार्क है इसलिए नहीं क्योंकि ए, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ठीक पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था ठीक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में तो केवल इसलिए बस नहीं याद किया जाता है उस 1526 को बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटाया तो लोदियों का शासन दिल्ली दिल्ली से हटा और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई मतलब मुगलों का राज्य फिर भारत में स्टार्ट हुआ तो कब से हुआ हमें इस बात से पता चलता है 1526 से ही कि 1526 में पहला तो मेन जो एक इंसिडेंट क्या हुआ वो ये हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किस किस के बीच हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन जीता बाबर जीता ठीक और उसके बाद यहीं से हमें इसी डेट से हमें पता चलता है कि इसी समय से क्या हुआ दिल्ली की दिल्ली में मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ भारत में मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ मुगलों ने अपना आधिपत्य भारत पे कर दिया तो वो हमें पता चलता है पंद्रह से ही तो इसलिए जो कुछ डेट्स होते हैं इवेंट्स होते हैं ये अपने आप में ही एक लैंडमार्क होते हैं क्लियर नाउ बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टाइम ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डेट और मंथ लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी भी इवेंट का जो टाइम है वो किसी डेट या मंथ पे हो क्यों? नॉट इजी पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल वाइल्ड ड्रिंकिंग टी वी मे वंडर व्हेन वाज द टी इन्वेंटेड क्यों अब ऐसा क्यों जरूरी नहीं है कि जो टाइम है वो जो कोई भी घटना है वो डेट या मंथ पे ही डिपेंड करे या डेट या मंथ पे ही बेस्ड हो क्यों क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनकी डेट को फिक्स करना बहुत मुश्किल है जो कभी भी हुई या जब कभी ना कभी तो हुई होंगी लेकिन उनकी डेट को फिक्स करना मुश्किल है क्यों जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि हम चाय पी रहे हो सपोज ठीक और हम सोचें कि चाय कब इन्वेंट हुई होगी पहले कब तो अब जब उस समय चाय इन्वेंट हुई तब तो किसी ने सोचा नहीं इस तरह का या उतने संसाधन नहीं थे तो इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया गया चाय हम आज पी रहे हैं लेकिन इसका इन्वेंस कब हुआ इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसी ने नोट डाउन नहीं किया ठीक तो इस चीज में क्या होता है कि ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड करना या इनकी ऐसी डेट्स रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है नेक्स्ट इन द सेम वे reading a newspaper in the morning you may also like to know how people got to know about things before newspaper began to be printed or traveling in a car or a train sometimes make us think how people used to travel long distances before the invention of cars or trains there can be no fixed date for these processes so अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे मान लो आप आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से हमें क्या मिलता है जो सारी इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि कब आ, हमारे आसपास में देश विदेश में क्या हो रहा है तो अब आप सोचना स्टार्ट कर दो कि अब जो लोग थे वो पहले कैसे ये सी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे ठीक या जब आप कहीं मान लो कार में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप सोचना स्टार्ट कर दो कि लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे ठीक तो वो किस डेट को ये ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई या किस डेट से न्यूज़पेपर आना शुरू हुआ कि मतलब कब पहले कब डेट कब लोगों ने गाड़ियां खरीदी तो ये सारी चीजें जो हैं कि जो जो सारी चीजें हैं इन सब को कोई फिक्स डेट नहीं है क्योंकि ये एक एक लंबी प्रोसेस है ये कोई एक एग्जैक्ट चीज नहीं ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा कार बना ली और तुरंत वो चीज हमने अपने लाइफ स्टाइल में एडॉप्ट कर ली ऐसा तो है नहीं अब पहले सोचा उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए ठीक एक्सपेरिमेंट्स के बाद कई बार फेल्यूर्स हुए उसमें उसके साइड इफेक्ट्स निकले फिर धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ फिर जब वो चीजें अच्छी हुई तब कहीं जाकर के वो हमारे जीवन में आई तब हमने उनको यूज करना शुरू किया तो वो एक लंबी प्रोसेस थी अब उस लंबी प्रोसेस को एक फिक्स डेट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है कौन सी चीज कब क्लियर क्लियरली कब हुई वो चीज एक फिक्स डेट में थोड़ी हुई क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस थी उसमें एक लंबा टाइम लगा तो ऐसी चीजों के लिए जो डेट है फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है क्लियर तो सिमिलरली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जॉट डाउन वन सिंगुलर पर्टिकुलर डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिशड इन इंडिया और व्हेन द नेशनल मूवमेंट बिगन इन इंडिया इसी प्रकार इस बात का पता लगाना कि कोई भी इंसिडेंट कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भारत में कब हुआ ठीक इस इस चीज को डेट डेट में बताना काफी मुश्किल है कि जैसे सपोज कि ब्रिटिश जो ब्रिटिश का शासन था वो भारत में कब इस्ट एस्टेब्लिश हुआ या जो भारत में जो नेशनल मूवमेंट था वो कब उसकी शुरुआत कब हुई उसको बता पाना मुश्किल है क्यों क्योंकि ये कोई एक फिक्स्ड प्रोसेस तो है नहीं कि इस दिन स्टार्ट हुआ इस दिन खत्म हुआ ये चीजें धीरे धीरे आई कि पहले ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो आए उन्होंने ट्रेड किया है पहले जो हमारे यहाँ पे जो शासक थे राजा महाराजा थे उनसे व्यापार की संधि की ठीक फिर धीरे धीरे उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर करके धीरे 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 धीरे, धीरे करके एक प्रोसेस में एक लंबे समय में उन्होंने पूरे इंडिया में अपना शासन स्थापित किया तो उसको एक कोई पर्टिकुलर डेट देना गलत होगा या उसको एक पर्टिकुलर डेट देंगे तो वो चीज सही नहीं होगी क्लियर नेक्स्ट हाउ एवर वी स्टिल कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री स्ट्रिंग ऑफ डेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडी ठीक लेकिन फिर भी जो हम क्या करते हैं जो हिस्ट्री को हम जो एक डेट्स की जो कड़ी होती है उनसे हम जोड़ते हैं उसी से हम पढ़ते हैं और डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ रहे हैं किस एस्पेक्ट से हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस चीज को इस चीज यही चीज हमारी डिटरमाइन करती है कि डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है क्लियर फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यदि हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं इंडिया में तो उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि एक होल प्रोसेस थी उसमें कौन कौन से लीडर शामिल थे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन जब हम कोई युद्ध पढ़ रहे हैं या जो राजाओं का राजाओं की क्राउनिंग मीन जो उनका कब कौन सा राजा गद्दी पे बैठा तो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं इनमें हमें डेट्स की जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि ये एक घटनाएं हैं जो एक एक ही समय हुई बार बार नहीं हुई ठीक तो या एक इनमें कोई प्रोसेस नहीं लगेगी कोई लंबी प्रोसेस लगी होगी आज ये घोषणा हुई कल ए, उसकी तैयारी हुई परसों तिलक हुआ चीजें नहीं है क्राउनिंग मतलब कि जब वो गद्दी पे बैठा उसको राजमुकुट पहनाया गया तो वो एक फिक्स डेट को ही हुआ होगा ऐसा तो है नहीं कि उसमें दो चार दिन लगे होंगे तो इसलिए इनको यदि हम इन, इन, इन ये सारी चीजें पढ़ना चाहें डेट वाइज तो इनको पढ़ सकते हैं और यदि हम कोई चीज जो ऐसी चीज है जिसको हम ए, हिस्ट्री में डेट्स में नहीं रख पाएंगे तो वो ऐसी भी कई चीजें हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं लेकिन उनका जो विस्तार होता है वो हिस्ट्री में डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है नेक्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूलर्स वॉर्स एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा रिलीजियस हिस्ट्री डील्स विथ रिलीजियस डेवलपमेंट्स सोशल हिस्ट्री

उसमें क्या हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में पूरी राजनीति के बारे में ही पढ़ेंगे जो हिस्ट्री में राजनीति हुई हिस्ट्री में राजनीति इन द सेंस उस समय राजतंत्र था राजाओं का शासन था तो हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे उन्होंने जो युद्ध लड़े उसके बारे में पढ़ेंगे उस समय का प्रशासन कहता था कि मतलब उसके मंत्री कैसे थे सैन्य संगठन कैसा था सैन्य बल उसका कैसा था ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में मतलब राजा महाराजाओं के बारे में अब यदि हम धार्मिक इतिहास उठाते हैं रिलीजियस हिस्ट्री उठाते हैं तो उसमें हमें जो धर्म को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हुई ठीक कि क्या क्या हमारे धर्म में चेंजेस आए ये सारी चीजें पढ़ेंगे और यदि हम सोशल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये जो उस समय एक समाज में जो भी ए, समाज के जो विचारधाराएं थी जो समाज में प्रचलित था उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और इकोनॉमिक हिस्ट्री यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें जो समाज का Uh, जो आर्थिक रूप से जो समाज में डेवलपमेंट हुआ प्रोग्रेस हुई उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स किस पे डिपेंड करती है कि हम किस एस्पेक्ट में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं द हिस्टोरियंस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द दाइम वेन सर्टेन रूलर रूल्ड ओवर अ पर्टिकुलर रीजन द बैटल्स ही फॉट ही हिज हीशन हिज मैरिज डेथ एंड द सक्सेसर और सच इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स कैन भी डिटरमाइंड तो जो हिस्टोरियंस थे वो ज्यादातर इसी चीज में इंटरेस्ट रखते थे कि कब कोई राजा गद्दी पे आया कौन सा राजा कब गद्दी पे था उसने किस रीजन पे अपना मतलब किस जगह पे किस भूमि पे अपना साम्राज्य स्थापित किया उसने कौन कौन से युद्ध लड़े उस उसका गद्दी पे वो कब बैठा कोरोनेशन मतलब यही जो ताजपोशी जिसको कहते हैं गद्दी पे बैठना राजा का तो उसका उसकी ताजपोशी कब हुई उसकी शादी कब हुई मृत्यु कब हुई और उसके सक्सेसर मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी कौन सी थी उसके बाद कौन सा राजा बना या उसके मतलब जो भी उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन से थे और इन सब इवेंट्स के लिए हम एक स्पेसिफिक डेट इवेंट बना सकते हैं कि मान लो कोई राजा फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स में गद्दी पे बैठा ठीक उसने पांच युद्ध लड़े ठीक इस इस ये ये उसकी शादी इस दिन हुई उसकी मृत्यु तब हुई इसको इस समय गद्दी पे बैठा तो ये सारी चीजें हम एक डेट वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं अब विच डेट्स नेक्स्ट हेडिंग है देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट Dates are not important on their own. We make them important when we select them and associate them with a particular event which carried on that date. Okay? <laughs> तो date को choose करने के कई criteria हैं, ठीक? Date खुद में important नहीं होती हैं. वो कब important होती हैं? कि जब हम हम उनको इंपॉर्टेंट बनाते हैं और हम उनको इंपॉर्टेंट कैसे बनाते हैं कि जब हम उस डेट को किसी पर्टिकुलर इवेंट से एसोसिएट कर दें जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पानीपत का, युद। तो पानी का युद्ध तो पानीपत का युद्ध यदि हम याद करते हैं तो हमें तब उस डेट की याद आती है कि पानीपत का युद्ध फिफ्टीन में लड़ा गया था पंद्रह में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था तो हम जब हम पानी उस जो इंसिडेंट हुआ उसमें वही डेट को क्या बनाते हैं इंपॉर्टेंट यदि किसी डेट को आ, कोई इम्पोर्टेंट घटना इतिहास में कभी घटित हुई और उसको हमने नोट किया तब वो डेट हमारे लिए एक अलग सिग्निफिकेंस रखेगी एक अलग इम्पोर्टेंस रखेगी ठीक तो जो डेट्स हैं वो खुद में इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं उनको हम खुद इम्पोर्टेंट बनाते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल द हिस्ट्रीज रिटर्न बाय द ब्रिटिश ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉस सिग्निफिकेंट द हिस्ट्री बिगेन वेन द फर्स्ट जनरल गवर्नर के लिए यहाँ पे लो फिर से जो जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज थे उन्होंने जो अंग्रेज इतिहासकार थे जो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी भारत में तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखी कि उन्होंने कब से हिस्ट्री लिखी जो भारत की हिस्ट्री जब उनका पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे बना जब उन, उन, इंग्लैंड के अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल को जब यहाँ पे स्थापित किया गया ठीक और फिर उसका जो पहला गवर्नर जनरल कौन था वेरन हेस्टिंग वहां से उसने जब शासन करना शुरुआत की भारत में तब से लेकर के जो उसका लास्ट वॉइस रहा था लॉर्ड माउंट बैटन जब तक उसने भारत छोड़ नहीं दिया तब तक का ही इतिहास उसमें है मतलब कहने का कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे तो उन्होंने केवल अपना इतिहासकार इतिहास लिखा कि उन्होंने भारत में जाके क्या क्या किए कौन कौन से काम किए लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस दौरान जो भारतीय थे या अदर थे ऐसे लोग या अदर कंट्रीज जो थी वहां पे कोई काम नहीं हुए तो हुए लेकिन उन्होंने जो नोट की वो केवल अपने एस्पेक्ट में नोट की तो हम केवल उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं तो अब अब जैसे सपोज उन्होंने यदि बताया कि इस दिन से ये गवर्नर जनरल थे फिर उस दिन ये गवर्नर जनरल हुए फिर लास्ट गवर्नर जनरल ये हुए तो हम इस तरह से फिर हिस्ट्री को स्पेसिफिक उसमें डेट्स में तो हमें डेट्स के बारे में पता चलता है कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है कौन सी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट इन बिटवीन देयर वेर सेवरल वाइस रॉयस हु सक्सीडेड सच एस हेस्टिंग्स वेलिस्ले बेंटिक डलहौजी रिपोन इरविन करजोन कैनिंग एटसेट्रा इतिहास person, so, है, है वो उनके फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर के लास्ट वॉयस रॉय तक का है और उसके बीच में कई वॉइस रॉय हुए जैसे की हेस्टिंग फिर उसके बाद वेलिसी बैंटिकल रिपोर्न इन कैनिंग ये सारे हुए और सब इन इन्होंने जो भी अचीवमेंट्स किए या इनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए इन सब का डेट वाइज हिस्ट्री में हमें अवलोकन मिलेगा किसमें ब्रिटिश हिस्ट्री में मिलेगा ठीक when we write history it is divided into several chapters which is periodized on the basis of these dates और जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको हम कई भागों में बांटते हैं कई चैप्टर्स में बांटते हैं और उसके बाद हम उसको क्रमानुसार रूप से जो घटना किस डेट में हुई तो डेट वाइज उसको हम क्रम से प्रस्तुत करते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज तो हम इनको क्रम में कैसे रखें हम इनको पीरियडाइज कैसे करें तो

अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे एक अपना थ्री वॉल्यूम मतलब तीन पार्ट में अपनी एक बुक पब्लिश की और उसका टाइटल जो था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अब ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश दिस वे ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड वाइडली अब उसने इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पहले मतलब हिंदू थे उसके बाद फिर जब मुगल आए या विदेशी आक्रांता आए और मुस्लिम्स आए तो वो मुस्लिम वाला काल की मतलब जो हिंदुओं ने जो मेन मेन काम किए उनके जो हमारे राजा हुए चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान ये सारे हिंदू राजा तो उनके बारे में जो इतिहास था उसको अलग कैटेगराइज किया फिर दूसरे पार्ट में उसने मुस्लिम जो भी मुस्लिम शासक हुए उनके बारे में अकबर जहांगीर ये सारे बाबर इब्राहिम लोदी ये सारे कौन थे मुस्लिम थे तो इनके बारे में फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई मतलब अंग्रेज आए तो उनके बारे में तो उसने ऐसे उसको कैटेगराइज किया उसने मतलब धर्म के अकॉर्डिंग उसने जाति या कह सकते हैं धर्म के अकॉर्डिंग या जाति के अकॉर्डिंग या एक समाज जातिगत समाज के अकॉर्डिंग उसने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया ठीक और जो उसका ये चीज था जो ये जो पीरियडाइजेशन था उसका इसको इंडियन हिस्ट्री ने काफी एक्सेप्ट किया मतलब बृहद रूप से इसको स्वीकार किया गया क्यों क्योंकि तो इसमें यदि आपको मान लो हिंदू 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 राज्यों राजाओं के बारे में जानना है तो आप पार्ट वन उठा लीजिए उस हिस्ट्री में आपको हिंदू राजाओं की जानकारी मिल जाएगी मुस्लिम राजाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुस्लिम वाली वॉल्यूम उठा लीजिए या ब्रिटिश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ब्रिटिश वॉल्यूम की बुक उठा लीजिए तो इन सारी चीजों से आप इजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी द इंसिडेंट वर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल द चेंजेस दैट टुक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड टू अब जो incidents दो थे वो सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि कौन सी घटना कब हुई ए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रमागत क्रमागत ऑर्डर में लिखे गए थे एक क्रम में लिखे गए थे एक वेल क्रम में लिखे गए थे कि कोई चीज कब हुई ठीक एक पीरियड से दूसरे पीरियड में वो चीज कब हुई कैसे हुई कहाँ हुई तो ये सारी चीजें एक डेट वाइज मेंशन थी उसमें जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज रिलीजन ही रिगार्डेड एशियंस एस अनसिविलाइज्ड तो जो जेम्स मिल था उसने अभी जैसा कि मैंने बताया इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेस पे धर्म के बेसिस पे डिवाइड किया था उसने बांटा था और वो मानता था कि जो एशियंस हैं मतलब हम लोग हैं एशिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं अनसिविलाइज हैं ठीक मतलब अच्छे नहीं है मतलब एक प्रकार से कहने चाहे तो गंवार हैं ही बिलीव दैट ओनली यूरोपियंस कुड टीच देम मैनर्स एंड वे ऑफ लिविंग अब उसका ऐसा मानना था जो यूरोपियंस हैं केवल वही लोग उसको भारतीयों को या एशियंस को मैनर्स सिखा सकते हैं और जिंदगी कैसे जिंदगी कैसे जीनी है जिंदगी जीने के क्या तरीके हैं कैसे रहना है जिंदगी में ये सारी चीजें कौन सिखा सकता है केवल यूरोपियंस तो इसलिए उसने धर्म के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया ही डिपिक्टेड द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस कास्ट हायर्ची इग्नोरेंस एंड ऑर्थोडॉक्सी अब उस, उसने यही चीजें उसने अपनी हिस्ट्री में क्या क्या मेंशन किया यही जो हमारा जो धार्मिक अंधविश्वास वगैरह थे ठीक है और जो हमारा जातिगत भेदभाव थे ठीक या यही सारी चीजें उसने अपने हिस्ट्री में मेंशन की हमें एशियंस को हमें कैसा दिखाया गया कि हम बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं जातिगत रूप से बटे हुए हैं इग्नोरेंस हैं हम ऑर्थोडॉक्स हैं ठीक ये सारी चीजें उसने अपने उसमें मेंशन की मतलब हम एशियंस को उसने ए, कम दिखाया और यूरोपियंस को हमसे कहीं हाई क्लास का दिखाया हमको लो लोअर स्टैंडर्ड दिखाया उनको हायर स्टैंडर्ड दिखाया ही प्रेजेंटेड ब्रिटिश रूल अ मार्क ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज द पीरियड ऑफ डार्कनेस अब जो उसने जब हिस्ट्री लिखी तो उसने जो ब्रिटिश रूल है ब्रिटिश कौन थे यूरोपियन सी थे तो जब जब ब्रिटिश शासन है तो उसने उसको ब्रिटिश शासन को इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि वो जो शासन था वो प्रोग्रेस का था ठीक मतलब प्रगति का और उन्नति का हमारे वो समय जो वो जो समय काल था वो उन्नति का और प्रगति का काल था और जो ब्रिटिश के पहले बारा जो पीरियड है उसको उसने पीरियड ऑफ डार्कनेस कहा कि मतलब एक ऐसा समय काल जो अंधकार से भरा हुआ था कि मतलब हम लोग अनसिविलाइज थे एजुकेटेड नहीं थे या अंधविश्वासी थे ये सारी चीजें नेक्स्ट बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियंस डिस्कार्डेड दिस रिलीजन बेस्ड डिवीजन अकॉर्डिंग टू दैम द डेवलपमेंट्स इन इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाई सेवरल फैक्टर्स एंड नॉट मेनली रिलीजन ऑफ द रूलर अब लेकिन जब हमने स्वतंत्रता पाई तो जो भारतीय इतिहासकार हुए उन्होंने जो ये धार्मिक धर्म को आधार बना करके जो डिवीज़न किया गया था हिस्ट्री का उसको इन्होंने इसका इसकी खिलाफत की और उनके अनुसार मतलब जो भारतीय इतिहासकार थे उनके अनुसार जो भारत में डेवलपमेंट है वो कई फैक्टर से हुए हैं ऐसा नहीं कि केवल जो जो शासक थे उनके धर्म से ही बस नहीं काफी चीजें हुई हैं। और भी जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके और कई कारक रहे हैं। हैंज मैनी प्रॉब्लम दिस पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री तो इंडियन हिस्टोरियंस जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न एंशिय मतलब बहुत पुरानी जो एट्थ सेंचुरी से पहले का जो काल था फिर मिडवल मिडिवल मतलब जो एट्थ सेंचुरी से लेकर के एटीन सेंचुरी तक ये कहलाया मिडवेल और उसके बाद एटीन सेंचुरी मतल, के बाद से मतलब नाइनटीन सेंचुरी से जो अब तक का समय है वो उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कहा लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन था इसको सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स क्या थी दिस पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री क्यों क्योंकि ये जो बंटवारा था हिस्ट्री का ये किस पे बेस्ड था हमारा वेस्टर्न हिस्ट्री पे बेस्ड था ठीक फिर द मॉडर्न पीरियड वॉज मार्क्ड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी साइंस रीजन डेमोक्रेसी लिबर्टी एंड इक्वेलिटी और फिर उसके बाद जो हमारा मॉडर्न पीरियड था उसको हमने एक अपने ग्रोथ का पीरियड बताया कि उस हमारा जो सार्वभौमिक विकास है चौतरफा जो डेवलपमेंट है उसको हमने उस पीरियड में दिखाया कि इसमें मॉडर्न पीरियड में कि जो साइंस बढ़ी ठीक अर्थ तर्क सस, तर्क शक्ति बड़ी हमारी डेमोक्रेसी हुआ ठीक है हम इंडिपेंडेंट हुए और फिर समानता जो आई जो भी सारी असमानता खत्म हुई धीरे धीरे सब सारी चीजों में समानता आई तो इसलिए जो मॉडर्न पीरियड में ये सारी चीजें मेन थी कि जो साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ तर्क शक्ति जो हमारी वृद्धि हुई डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लिबर्टी में आजादी में इक्वेलिटी में समानता जो जो चीजें आई ये सारी चीजें है मॉडर्न हिस्ट्री में हमें मिलेंगी द मिडवेल पीरियड वॉज रिप्रेजेंटेड एज एन एज ऑफ डार्कनेस बट इन ब्रिटिश रूल इंडियंस डिड नॉट हैव फ्रीडम एंड लिबर्टी नॉर वी हैड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हैोग्रेस देनी इंडियन हिस्टोरियंस कैटेगराइज दिस पीरियड एज कॉलोनियल अब जो मिडवेल पीरियड था उसको अंधकार का काल बताया गया उस समय अंधकार था ठीक लेकिन क्यों? क्योंकि ल, क्या हुआ कि जो हम यदि देखें तो जो जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था मतलब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भारतीयों के पास इक्वेलिटी नहीं थी, समानता नहीं थी मतलब हमें अंग्रेजों के समान नहीं माना जाता था आजादी भी नहीं थी हमारे पास स्वतंत्रता भी नहीं थी और ना ही हमारे हाथ में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका जो ग्रोथ था और उसकी जो प्रगति थी वो भी हमारे हाथ में नहीं थी इसलिए इसलिए कई भारतीय इतिहासकारों ने इस समय काल को कॉलोनियल कहा अब कॉलोनियल क्या है अब उसको हम ऐसे समझते हैं कि कोलोनिय, कोलोनियल क्या है कॉलोनियल हम यदि हम एक प्रकार से देखना चाहें तो ये एक ऐसा काल होता है व्हाट इज कॉलोनियल अब हम ये जानेंगे तो पहले ब्रीफ में मैं समझा दूं कि जब कहीं पे किसी स्थान विशेष पे किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समुदाय विशेष का ही विकास होता है सबको समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ठीक है या उस चीज को जब लिखा जाता है तो केवल जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो जो समाज विशेष डेवलप्ड है उसी के बारे में बताया जाता है वही कहलाता है कोलोनियल जैसे ब्रिटिश ब्रिटिश केम टू इंडिया एस ट्रेडर्स एंड देन एस्टेब्लिश डेम सेल्स एस कॉनकर्स सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा अब जैसे कि जो पहले ब्रिटिश आए भारत में वो पहले कैसे आए थे एक व्यापारी बनकर आए थे उसके बाद उन्होंने अपने आप को घुसपैठियों के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया कैसे जो वहाँ के लोकल नवाब्स थे या राजा थे जो हमारे लोकल के राजा या नवाब थे उनको गद्दी से हटा करके या उन पे अपना आधिपत्य जमा करके अपने आप को यहाँ का शासक घोषित कर लिया दे कंट्रोल ओवर द इकोमी एंड सोसाइटी कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस ब्रॉड कमोडिटीज एट लो प्राइसेस एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स विच गेव प्रॉफिट अब उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी का कंट्रोल पूरा अपने ऊपर ले लिया ठीक उन्होंने कर रिवेन्यू भी लेना स्टार्ट कर दिया लोगों से ठीक अपने जितने भी उनके खर्चे थे उन पे उन्होंने उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जनता से कर लेना स्टार्ट कर दिया ब्रॉड कमोडिटीज एट लो प्राइसेस ऐसे कई सामान लाए जो सस्ते दामों में कई सामान लाए मतलब उसके बाद और उन्होंने ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जो उनको प्रॉफिट दें तो मतलब सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया जमीन हमारी ठीक सब कुछ हमारा लेकिन कंट्रोल किसने ले लिया ब्रिटिश ने ले लिया एक बाहरी ने आकर के कंट्रोल ले लिया यही कहलाता है कोलोनियन

जैसा वो चाहते हैं वैसा करेंगे तो उनके जो कस्टम्स थे या जो उनके आचार विचार थे वही प्रचलन में होंगे ठीक और इसी दौरान जो कंट्री है उसने काफी चेंजेस महसूस किए चाहे फिर वो राजनैतिक हो या सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो ठीक और यही जो प्रोसेस है पूरी प्रोसेस कि कैसे देखो हमारी जमीन हमारे संस्कृति हमारा सब कुछ लेकिन जब कंट्रोल दूसरे के ऊपर आ गया दूसरे ने अपने आप को एम्पावर कर लिया तो जो चेंजेस हुए तो वो उसके अकॉर्डिंग हुए ठीक यही कहलाता है कॉलोनाइजेशन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड जो प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है कैसे करता है देखते हैं हम

ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ठीक उन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम हिस्ट्री में हिस्ट्री के बारे में जानते हैं जो जो ब्रिटिश ये मानते थे कि जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन है या प्लान है या पॉलिसी डिसीजन है या एग्रीमेंट है वो एक क्लियरली लिखा होना चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि जैसे मान लो कोई नया व्यक्ति आता है तो वो उस चीज को जब पढ़ ले तो वो चीज उसको समझ में आ जाए कंफ्यूजन ना हो कि मान लो जैसे हम क्या होता है जब जब हम चीज कोई चीज कोई बोलते हैं तो सपोज मैंने बोली किसी से तो मैंने बोली जो दूसरे से अब उसने जब दूसरे तक वो पास की तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे फिर दूसरे ने जब तीसरे को पास की तो उसमें और ज्यादा चेंजेस आएंगे और जब एक लास्ट सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते जो चीज है जो चीज में जो मेन थीम होगी उससे वो भटक जाएगी इसलिए ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि यदि जो चीजें हैं वो एक रिटर्न में रहेंगी तो वो एज इट इज डिलीवर होंगी द कन्विक्शन रिकॉर्ड रूम्स अब यही जो चेंजेस था यही जो प्रक्रिया थी इसने कई इसने मेमोस नोट्स रिपोर्ट्स का प्रचलन स्टार्ट कर दिया मतलब जो भी चीज होने लगा प्रशासनिक जो भी कार्य होते थे वो लिखित रूप में होने लगे ठीक और सभी जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स थे सबके एक रिकॉर्ड रूम होते थे कि जो भी जो भी भी उस डिपार्टमेंट में काम हुए, वो सारी चीजें उसके रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्डेड होती थी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूजियम्स लाइब्रेरी आर्चिप वर ओपन टू अब विशेष इंस्टीट्यूशंस संस्थान खोले गए जैसे कि म्यूजियम लाइब्रेरी आर्काइव्स हर गांव में या हर शहर में खोले गए ताकि वहां पे उस क्षेत्र के रिकॉर्ड्स रखे जा सके इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड आउट एंड वर ब्यूटिफुली रिटर्न बाई कैलीग्राफिस्ट कैलीग्राफिस्ट आर दोस्ट हु आर इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग अब जब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फिर जब यही जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको अच्छी में कैलीग्राफिस्ट के द्वारा कॉपी कर लिया गया और कैलिग्रा, कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो ए, किसी भी चीज को कॉपी करने में या लिखने में जिनकी है हाथ हाथ की जो राइटिंग होती थी वो बहुत अच्छी होती थी उनकी उनमें उनको महारत हासिल होती थी तो ये ए, इनके द्वारा उन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया गया दोबारा कॉपी कर लिया गया तो वो एक चीज सेफ हो गई ठीक क्योंकि उस समय पे प्रिंटिंग का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था तो सब जो रिकॉर्ड थे वो आ, हाथ से लिखे हुए होते थे बाय द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग कम इन वर्क एंड अ लार्ज नंबर ऑफ दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एस प्रोसीडिंग्स ऑफ इच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और फिर जब 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो प्रिंटिंग का काम था वो काफी प्रचलन में आ चुका था इसलिए जो ज्यादातर जो रिकॉर्ड थे वो प्रिंट कर लिए गए अब, अब आगे भी जो भी गवर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो सारे रिकॉर्ड प्रिंटेड ही निकल निकलने लगे नाउ सर्वे अब जो सर्वे वगैरह किए गए उनका क्या इम्पैक्ट था द ब्रिटिश बिलीव दैट द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ कंट्री प्रफोर इट कुफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था या उनका ये मानना था कि यदि किसी कंट्री को ढंग से उसमें ढंग से शासन करना है तो वहाँ का उस उसमें सर्वे करना बहुत जरूरी है सर्वे इन द सेंस हर चीज में कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे लोग किस धर्म के ज्यादा है किस जाति के ज्यादा है मतलब सर्वे से हमें ओवरऑल कंट्री की सिचुएशन के बारे में पता लग जाएगा तो उस 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 चीज को मॉनिटर करना काफी आसान होगा। रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज इन ईच विलेज एंड प्रोविंस ऑफ इंडिया इसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कई सारे ऐसे सर्वेयर्स को लगाया ऐसे लोग जो सर्वे करते थे ठीक एंड रिपोर्ट ऑन द रिलीफ एंड वेजिटेशन एंड द इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से या धर्म के आधार पर या सामाजिक या कल्चरल क्रियाकलापों के आधार पर हर गांव में या शहर में क्या करते थे सर्वे कलेक्ट करते थे और उस पर रिपोर्ट बनाते थे दीज रिपोर्ट हेल्प द ब्रिटिश टू नो अबाउट द रीजन वेयर दे कुर आउट हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिपोर्ट की सहायता से ब्रिटिश को किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में कि वो वहाँ शासन कैसे कर सकते हैं और वहाँ की सिचुएशन जब उनको पता लग गई तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए इस चीज में काफी हेल्प की बाई द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी सेंस वॉज कैरिड आउट रिपोर्ट ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइड इंफॉर्मेश पॉपुलेशन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेक्स एज ऑक्यूपेशन कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा अब उन्नीसवी शताब्दी के अंत में जनगणना की गई सेंस मतलब जनगणना की गई और फिर हर दस साल में ये जनगणना की गई तो ये जो रिपोर्ट थी जनगणना की जो रिपोर्ट थी, थी इससे Uh, किस कौन सी इंफॉर्मेशन मिली हमें हमें कि एक टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ठीक मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ किस सेक्स की ज्यादा हो रही है कि मेल्स ज्यादा जन्म ले रहे हैं या फीमेल्स ज्यादा जन्म ले रही हैं ठीक है किस एज के लोग ज्यादा हैं उस जगह पे ठीक क्या व्यवसाय करते हैं किस जाति के हैं किस धर्म के हैं इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें जनगणना से प्राप्त हुई इन एडिशन और भी कई तरह के सर्वे किए गए जैसे बॉटनी में जूलॉजी में जंगलों पे या आर्कियोलॉजी पे ठीक पुरातत्व विभाग पे भी और इन्हीं सर्वे के माध्यम से ही जो एक प्रसिद्ध सिविलाइजेशन uh, है सभ्यता है उसके बारे में हमें पता लगता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बारे में हमें पता लगता है तो ऐसा नहीं है कि जब ये सारी चीजें आई तो हिस्ट्री के बारे में हमें और डीपली पता चला नेक्स्ट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ये हमें क्या नहीं बताते हैं अभी हमने ये पढ़ा क्या क्या बताते हैं अब ये पढ़ेंगे क्या क्या वो नहीं बताते हैं

इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो ऑफिशियल थॉट्स क्या थे विचार क्या थे इंटरेस्ट क्या था मतलब किस चीज में उनका इंटरेस्ट था क्या क्या चेंजेस हुए ठीक है क्या बचाना चाहिए ये सारी चीजें जो एक प्रकार से आधिकारिक थी वो चीजें तो हमें उसके बारे में पता लगी कि जो अधिकारी क्या सोचते थे क्या चाहते थे क्या बचाना चाहिए तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे हमें उनके बारे में पता चलता है लेकिन बट दे डू नॉट इंफॉर्मस अबाउट द पीपल देयर फीलिंग एंड देयर एक्शन एट दैट टाइम लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये हमें उस समय जो लोगों की किसी भी घटना के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति जो भी फीलिंग थी या जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं होती थी वो नहीं बताते हैं क्योंकि उनको नोट डाउन नहीं किया गया फॉर एग्जांपल जैसे आज भी कोई कोई आ, कुछ भी होता है तो हम उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं बताते हैं ठीक है तो वह अपोज करते हैं तो ये सारी चीजें हमें आज पता होती हैं लेकिन इनको ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया तो ये चीजें हमें उस समय की पता नहीं ऑफिशियल के माध्यम से नाउ फॉर दिस इंफॉर्मेशन वी हैड टू सर्च विथ अदर सोर्सेस इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ठीक और इन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमें दूसरे साधनों को ढूंढना पड़ता है ठीक क्योंकि ये सारी चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पाना काफी कठिन थी These में इंक्लूड डायरीज़ ऑफ पीपल अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स एंड पिलग्रिम्स बायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन एंड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स अब ये दूसरे सोर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कई लोग थे जो डायरी लिखते थे अपनी डायरी मेंटेन करते थे तो उनकी डायरी के माध्यम से ठीक या जो ट्रेवलर्स थे या जो, जो तीर्थयात्री थे उनके द्वारा जो भी लिखा गया मेंशन किया गया ठीक या जो बड़े बड़े महान लोग हैं उनकी जो बायोग्राफीज हैं ठीक है जो रिफॉर्मर थे या जो लीडर्स थे नेता वगैरह थे इनके जो भी अकाउंट्स थे जो उन्होंने लिखा या बताया तो इन सारी चीजों से हमें उस समय के जो लोग थे क्या फील करते थे क्या उनका एक्शन होता था इन सब के बारे में पता लगता है क्योंकि ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं एस प्रिंटिंग स्प्रेड, टू एंड बिकेम अ गुड सोर्स टू नो अबाउट द लाइफ इन द कंट्री एट दैट टाइम द वर्क ऑफ पोएट्स एंड नोवलिस्ट ऑल्सो हेल्प द लॉट और उसके बाद जब धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रचलन में आई ठीक है तो न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गए ठीक है तो न्यूज के माध्यम से हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है उस समय पूरे देश विदेश में क्या हो रहा है तो उसके बारे में हमें इजिली इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने लगी ठीक तो जो और जो कवि हुए या जो उपन्यासकार हुए इनके जो इन्होंने जो भी काम किया उसने भी हमें काफी सहायता की लोगों के थॉट्स के बारे में जानने जानने में काफी मदद क्स्ट दिस इज अवर लास्ट टॉपिक हाउ एवर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन वर प्रोड्यूस्ड बाउट द लिटरेट पीपल लेकिन हालांकि ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है ये किसके द्वारा जो पढ़े लिखे लोग थे ठीक मीन्स जो सभ्य लोग थे जो पढ़े लिखे थे एजुकेटेड लोग थे इन्हीं के द्वारा लिखा गया इन्हीं के द्वारा हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं ठीक तो जो अब जो अनपढ़ थे उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा जो किसान थे मजदूर वर्ग था ठीक तो इनके बारे में किसी ने नहीं लिखा तो इनके बारे में हमें कहा से चीजें पता लगे दे डू नॉट इन्फॉर्मस अबाउट द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स एंड द वर्कर्स इन द माइंड एंड द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट तो ये जो है ये जो लोग थे ये हमें कभी भी जो भी उस समय की जो ट्राइबल्स थे जो कबीले होते थे ठीक या जो किसान होते थे या जो माइंस में काम करने वाले लोग होते थे या जो सड़कों पे जो गरीब होते थे उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है हमें इट इज डिफिकल्ट टू नो अबाउट द अबाउट दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी और इसलिए सोसाइटी में ऐसे इन लोगों के बारे में जानना जो निचले तबके के लोग थे जो एजुकेटेड नहीं थे ठीक तो उनके बारे में जानना काफी मुश्किल होता है तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है आशा करता हूँ कंप्लीट जो जो होते जाएं उनकी एक्सरसाइजेस आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और जहां भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट्स के माध्यम से अपनी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करें प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें और उसी के माध्यम से पढ़ें और फिर जहां भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करवा सकते हैं थैंक यू गुड बाय